तो गाइस फाइनली अभी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। लास्ट मोमेंट में जो सीन हुआ ना यार, वो थोड़ा गलत हो गया। जला नहीं है ना तो रावण के पुतले को नहीं, हमारे अंदर जो रावण है ना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दशहरा है, तो सभी को मेरी ओर से दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रतन और जस्ट मेरा एक फ्रेंड है कमलेश, तो हम सब जाने वाले हैं रामलीला मैदान। वहां पर दशहरा का 2 साल के बाद दशहरा होने वाला है, रामलीला होने वाली है और आज रावण दहन है। लेकिन आप लोगों से मुझे एक बात भी करनी थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी ना करूँ, आने के बाद करूँ। जो भी दशहरा का जो भी है ख़त्म होने के बाद आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तो वो सोच रहा हूँ कि ये सब खत्म होने के बाद करूँ। तो हो सके तो यार है ना एंड तक वीडियो को देखना। तो चलो अभी चलते हैं फिलहाल, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगा। और एक ही गाड़ी पर मैं, रतन और कमलेश चल रहे हैं, तो यार आप लोग ऐसा मत करना क्योंकि हम थोड़ा सा मजबूरी में जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और ये देखिए इतनी सारी भीड़ है वहां पर। और अभी थोड़ी ही देर में रावण दहन भी हो जाएगा, लेकिन दिल में एक बात है जो कि मैं घर जाकर ही आप लोगों से करूंगा, यहाँ कर नहीं सकता। तो गाइस लिटरली यार है ना वीआईपी पास मिल चुके थे और वहां से है ना जो व्यू था ना यार, तो वो अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि ना जस्ट वो आगे चले जाते हैं और आगे से व्यू अच्छा आएगा। तो सीरियसली यार हमारी जो किस्मत है ना भाई साहब, मतलब सच में वीआईपी पास के लिए 2 दिन से रो रहे थे, आज चलो मिले एंड टाइम पे मिले, लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे जो सीन हुआ ना यार, वो थोड़ा गलत हो गया। अभी वहां से बाहर आ चुके हैं और अभी हम तीनों जा रहे हैं जस्ट आगे, क्योंकि वहां से जो थोड़ा व्यू है वो अच्छा आएगा। और सीरियसली यार वीआईपी पास मिलने के बावजूद भी है ना क्या यार, मतलब कसम से यार, लेकिन क्या कर सकते, देखो वहां से व्यू अच्छा नहीं आ रहा था और आपको भी अच्छा नहीं दिख रहा था। मतलब अगर मैं तो देखो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो वीडियो शूट कर लेता, लेकिन फिर आपको अच्छे से नहीं दिखता ना, आपके खातिर आपके लिए हमने वीआईपी पास का बलिदान दिया। जब भी जो आपने लाइन देखी ना, उस लाइन में हम 5 से 10 मिनट तक खड़े थे और उसके बाद हमारा नंबर आया। और सीरियसली यार है ना, यहाँ 10 मिनट खड़े और अंदर जाके 5 मिनट भी नहीं बैठे और वापस बाहर आना पड़ा। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। किया जा रहा है, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और इस मंच की ओर से अभिनंदन करते हैं। उससे भी अगर आगे की हम बात करें तो इसके साथ लगभग पूरे बारिश शहर के अंदर और जो है 4000 एलईडी लगातार हम सभी को सौगात दी है। इनके साथ में 1000 विद्युत 25 बस्तियों के अंदर आप सभी को इस बात का जो है याद होते खेल जा रही है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि शोभा यात्रा का जो रथ है उनको अंदर आने में आने के लिए रास्ता भी खुला।
Thank you.
फाइनली अभी आतिशबाजी खत्म हो चुकी है और घर जाकर आप लोगों से कुछ पर्सनल बात करनी है जो कि मैं अभी घर जाकर करूंगा। यहाँ आवाज नहीं आएगी तो चलते हैं सीधा घर। सो गाइस फाइनली अभी मम्मी भी मिल चुकी है। आप किसके साथ आओगे? किसकी गाड़ी? मम्मी को भी मामा जी मिल गए थे तो वो जा रहे हैं टैक्सी में और मैं और रतन अभी जाएंगे। बहुत बढ़िया भाइयों यार सीरियसली है ना, इतने भीड़ भाड़ इलाका में ना गाड़ी धीरे ही चलाया करो। जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ पीछे, मैं उसका फुटेज नहीं ले पाया लेकिन लिटरली दोनों स्पीड में थे, खुब गए दोनों। सो गाइस आज रतन बना है हैवी ड्राइवर। सो गाइस फिलहाल अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और रावण दहन हो गया। अभी यार है ना, मैं आप सभी से एक बात करनी चाहता हूँ। जो रावण ने किया उसकी सजा तो श्री राम दे चुके हैं। मैं तो बस है ना एट द एंड यही बोलना चाहता हूँ कि यार जलाना ही है ना तो रावण के पुतले को नहीं, हमारे अंदर जो रावण है ना। मैं पर्सनली एक इंसान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरी इंसानियत को टारगेट कर रहा हूँ कि जो आज की सिचुएशन है ना यार, जिस तरह से कलयुग जा रहा है ना, सीरियसली यार है ना, पुतले जलाने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर, हम सभी के अंदर एक रावण है तो उस रावण का दहन करना बहुत जरूरी है। हम इस दशहरा पे संकल्प लेते हैं सभी कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं हम उन्हें खत्म करेंगे और सच्चाई की ओर पे चलेंगे। देखो यार मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा वरना लोग कुछ और कमेंट करेंगे जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिलहाल यार देखो अभी जो भी है तो मैंने अपनी जो दो लाइनें मेरे दिमाग में थी, जो मेरे दिमाग में था वो मैंने बता दिया।
मुझे बस गलत मत समझना, जो मेरे दिमाग में था वही मैंने बताया आपको। तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। आई होप गाइस कि आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड आतिशबाजी खत्म हो चुकी है।